माला क्यों أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم جزاك الله جي ما شاء الله بيون اپنے مہمان और चर्च वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब यासर अली खान अदा और देना के मुख्तसर जा अपना खिलाफ का इजहार करूँगा। जितने हाजरीन है महफिल जितने सोसाइटी के सदूर हूँ मेरे मेहमान हूँ मैं तो सना नौकर हूँ चूँकि मलिक साहब को टाइम नहीं तो मैं तो सना शुक्र गुजार हूँ कि मैं तो सा शार्ट नोटिस दस आए और तुम हाजिर हो गए हो तो मैं मलिक साहब तो सना इंतहाई मशहूर हाँ कि पिछले तहड़े में मैथिक मंडी का मसला है वो हल किया ने साड़ी छाछ ने सेहत ने मसायल अस्पताल ने भी तो सर ट्रामा सेंटर ने यकीन दानी कराई और वो लेटर भी तो सर लिख देता है और छाछ ना निकासी ना एक मसला है जो कि एक सियासी भी मसला है और समाजी भी मसला है। तो मैं मलिक साहब को कोई दिन पहले गए हाँ तो तुसा सारे दोस्तों ही मुख्तसर आखना चाहना कि जिस तरह लोगों में दस है कि मलिक साहब एक मगरूर बंदे काम नहीं करने तो मेरी भी वो जहन बना पे मां इशफाक खान साहब इन्होंने नेड़े किया है मैं चूंकि सियासतदाना को दूर नसना है कि मेरा ही सब्जेक्ट नहीं लेकिन जब उन्होंने मां नेड़े किया है तो मैं महसूस किया है कि मलिक अमीन असलम खान जितने जागीरदार हों उतने ही गरीब परवर भी और मैं उम्मीद करना कि छछ में जितने खान हों मलिक हों चौधरी वो मलिक साहब ने सोच के मुताबिक जो अल्लाह इन्हें देते हैं अल्लाह उन्हें भी देते हैं इन्होंने सोच के मुताबिक छछ ने आम बंदे भी जेडे साडे भरां असी उन्होंने हौसला बनाई उन्हें इन्होंने वांगू गुल मिल वजे जो इन्होंने अपनी ख्वाहिश ने इजहार किया ही मेरे जे नाचीज बंदे नाल इन्होंने टाइम मंगे ही और शायद नोटिस दे ही आए ते मैं मलिक साहब ने ही आखसा कि मैं जाती काम कदे भी तुसा जिंदगी च ना आखसा आखसा ते छछ ने काम आखसा और सेहत ने मसायल निकासी ने मसायल आखसा और तुसी साडे सिर ना फुलो ज़ाती हैसियत मैं अपना आज ये मैं शायद जा प्रोग्राम किया है तो मलिक साहब इंशाल्लाह तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मंग बुलासा बादर खान ने जेते थे तो इंशाल्लाह तो दसा कि मेरे नाल प्यार करने वाले कह जो लोग मैं कभी वोट नहीं मंगी कभी मैं किसी आखा नहीं लेकिन मेरे प्यार करने वाले बंदे आ जो पता चलना है यार यासिर खान इस पास में तो उन्हें पता नहीं कि गरीब की गल कर रहे क्यों कर रहे कि मैं जाती जै जो भी गरीब का लाना है ते मेरे जे ओवरसीज पाकिस्तानी वो मेरे ते इतबार करने ने उन्हें पता ही कि यासिर ना खाना ही ना खाउन दे नहीं ते मैं तो सा कि मलिक साहब की ये रिक्वेस्ट कर सा कि ही तोड़े को खुदा ताला तो सा तेड़ा देता है ते असल में जोर नहीं है क्यों जोर नहीं असि अर्ज कर सकने हैं अर्ज क्यों कर सकने हैं कि तुसा वोटा नहीं की दिया जिन्हें वोटा की दिया उन्हें हार भी सकने हैं तो तुस असा अर्ज करना है तो तुस साडे ते शफकत करनी है तो फलाई तंजीमाना काम होना है कि राह कढ़ना मेरी अच्छा ये जितनी तंजीमान मैं तुस यकीन दिलाना कि बड़े अच्छे लोग हों चाहे उजाला हो हमदर्द हो बरजई हो कोई भी सोसाइटी हो बड़े खरे लोग ने इन्होंने करीब होना है और इन्होंने दफातर बहना है और इन्होंने लोगों में थोड़े करीब इस वास्ते करना चाहना कि छछ ने मसायल ई जानने निकासी ने मसायल ई जानने सियासत होनी नहीं रही लेकिन गरीब बंदे ते सियासत नहीं करनी और मैं तुसा सारे भरावां आखसा जिस तरह कोई काम होवे मलिक साहब आखने मेरा दफ्तर खुले है मेरा डेरा खुले है लेकिन सब तो पहले वांगे नौकरी अप्लाई करो या अपना मसला मुतल के इदारे दसो उस तो बाद आके मलिक साहब आखो जी मेरा काम है तो मैं तुसे यकीन दिलाना कि मलिक साहब तुसा किसी मैदान में खा तुसी किसी पार्टी नाल भी हो वो तो सा मायूस ना कर सो तो मैं मलिक साहब आखसा के दो चार गल करो साड़ी भरा के टू टीवी तो आए मीडिया के दोस्त हो जितने भी मेहमान हो मैं तो सा शुक्र गुजार हाँ तुहाडा नौकर हाँ कि तुसा इज्जत रखी है तो तुसा पता चल सी कि अज 10 मिनट इज्जत रखी है तो आज तक तुसा पता चल सी किसी मकान पे मैं पीछे ना सा थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम मैं सब तो पहले तो यासिर का बड़ा शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने अज इतने दावत दी थी पिछले हफ्ते मेरे दफ्तर आए थे मैं उन्होंने वादा किया इंशाल्लाह तुहाडे कोल हो के वैसा
बड़ा अच्छा अच्छा वेलफेयर एसोसिएशन बनाई है और बड़ा अच्छा काम कर रही है मुख्तलिफ बढ़ावा है। तो मैं समझना कि इस तरह नौजवान साढ़े अगर वेलफेयर के काम और लोगों की बेहतरी का काम कर सी थोड़े ला के सारे लोगों के मसाइल हल कर सको। तो बाकी जो नारा मारे वो भी साड़ी हुकूमत का ही नारा है पिछले जो है उन्होंने नारा थोड़ा पता है कि है कि वो कहते खाने भी ने गाँदे भी ने उस तो जो पिछले वो कहते जी खाओ पियो तो पुत्तो असि तो सारा नारा है कि ना खाने तो ना खान देने। इमरान खान वाह बंदा है जिसने तैयार किया है कि इस मुल्क तो कब्जा माफिया ये खान वाली जी माफिया है इन्हें सारे के हाथ पर और इनशाला तुम देख सो कि हम इमरान खान दूजे गेड़े जान लगा अपना जरा बड़े बड़े लोग ने उन्होंने महलात द्वारे जाके देखो कितने कितने बड़े लोग उन्होंने हाथी को नहीं पाना है और गली को नहीं बढ़ना है उसे गिरा देते थे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल नाल गवर्नमेंट पूरा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है और इन शाह 10 लाख घर वहाँ पे लगाए जाएंगे और नौजवानों के लिए यहाँ पर 10 क्रिकेट ग्राउंड दिए जाएंगे और ये हुकूमत इंशाल्लाह उनको बेहतर करके देगी ताकि बच्चों को लिए एक पॉजिटिव तफरी का जरिया मिल सके। तो बाकी जो रजाकारा जरा कारा तौर पर करना चाहते हैं वो जरूर ये करें उसने हम उनको रोके नहीं। बहुत शुक्रिया इनवाइट किया अपने इलाके में जी आवाम भी अपने मसाइल भी लोग नवा दस हैं तो सर ये की तो अकवात उन्हें मैं बोलो सब तो पहले थोड़े इंतजामिया नजीम हैदर साहब को सर ना शुक्रगुजार हाँ चर्च वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म हाँ उजागर करने से आपकी मोहब्बत साढ़े तीन साल अल्लाह अज मलिक अमीन असलम साहब विफाकी वजीर जड़े वो साढ़े को अज मेहमान खसूसी आए तो छज बार ने जो तनजीम आए हैं उन्होंने एक एक नुमाइंदे साढ़े को मधु आए तो मैं विफाकी वजीर मलिक अमीन असलम साहब ना उन्होंने टीम का शुक्रगुजार हाँ उन्हें अपनी ख्वाहिश ने इजहार किया है कि मैं छज वेलफेयर सोसाइटी ने आपके साथ विजिट करना चाहना वा तो मैं उन्हें खुश अमदेद आखा है और उन्हें आखा कि मैं फेसबुक तो वेखा कि छज वेलफेयर सोसाइटी हकूमती जोड़े काम हो उस लेवल ने अपने इलाके ने वे कम कर रही आवाम की खिदमत कर रही तो मैं तुसा को आना चाहना वा और इलाका छज वैसे मिलजुल के काम करना चाहना वा तो 5-6 दिन तो मेरे न रबते चाहे अखीर संघिया की मशावरत न मैं उन्होंने दफ्तर इस्लामाबाद गया और उत मैं अपने इलाके ने मसाइल दसे अस्पताल साढ़े को ट्रामा सेंटर नहीं बच्चे हादसात के बेच या किसी भी बीमारी ने बेच उन्होंने डेथ हो जानी है फोर सेंटर बनी है उत ट्रीटमेंट ना कोई प्रॉपर डॉक्टर ना या इक्विपमेंट ना या दवाइया ना इंतजाम नहीं तो मलिक अमीन असलम खान साहब मेरे नाल और मेरी टीम नाल ये वादा किया है कि मैं इसते कम कर सा बल्कि उन्होंने जगह पर ही वजीर आजम पाकिस्तान 15 मिलियन पाकिस्तानी जोड़े रुपए बढ़ने उसका लेटर उन्हें लिखा है और जल्द इंशाल्लाह ट्रामा सेंटर भी बनवे सी और सर्जनस भी आवे सन और जेडे गायनी ने प्रॉब्लम हो जचा बच्चा ने जेडे डिलीवरीज ने प्रॉब्लम होने उसने भी इतने हल निकला सी क्योंकि हम डिलीवरीज केसिस होने पाए लेकिन वे ऑपरेशन नहीं पे होने नहीं तो उन्हें यकीन दिलाया कि इसी तादाद पहले कदम बढ़ा सही अगले कदम ने वेच छना कोई भी बंदा ही उसना जो डिलीवरीज ना इशूज हो सी या जच्चा व बच्चा वो इंशाल्लाह इधर ही हो सी उस तो वड्डा जिहड़ा मसला है उस तो बाद छनी निकासी ना मसला है मैं उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि असन या तंजीमा और इंतजामिया को जी टीम है उन्होंने को भी चूंकि इक्विपमेंट है तो साढ़े को भी कुछ ना कुछ मशीन ट्रैक्टर रक्शे हैं तो उन्होंने को भी कुछ ना कुछ इक्विपमेंट है तो असी दो प्राइवेट सैक्टर और इंतजामिया मिल के छज ने बेच निकासी से कम कर सें और इस खुश हो कि यार तुसा मतलब अगे पे आने वाला कि हुकूमता ना काम है तो उस तो बाद उन्हें आखा है और कोई काम तो मैं उन्हें आखा साढ़े जोड़े बच्चे नहीं
इन्होंने नौकरियां ने मसते नहीं, इन्होंने नौकरियां जड़ियां वो विक भी नहीं हैं, या इन्होंने नौकरियां दूसरे डिवीजन ने लोग आगे करने नहीं, तो उन्होंने आखा या सिर ई हर नौकरी अप्लाई करो, तो जड़ा बच्चा अप्लाई करे अपना शनाख्ती कार्ड नहीं कापी लावे, अगर इच्छा च ने बच्चा ना हक बना तो मेरे को ना भी पहुंचे तो उन्होंने दरखास्त भी पहुंचाई तू मेरे बच्चे मैं उन्होंने कम कर सा, और मैं ही चाहना वही ये जो बंदे अगे आऊँ जरा अपना जाति मफाद ना रखो हालांकि नहीं खिदमत करो तो आने मैं इंशाल्लाह हर उस प्लेटफॉर्म पर तावन करता कि जिस इच्छा च ने बच्चा ना इच्छा च ने बुजुर्गों ना इच्छा च ने नौजवाना ना फायदा हो, और सब तो वही गल उन्हें आख्या यासिर खान जरा तू इच्छा च ने बच्चा से खेडों उत्ते दिलचस्पी रखी है ये साडा हुकूमत ने भी विजन है, असं चाहते कि छछ ने बच्चा मनशियात तो बचा के एक मुस्बत खेडनी तरफ आना है, और उस असें मलिक साहब का ग्राउंड देते हैं उस इंशाल्लाह छछ वेलफेयर सोसाइटी और साढ़े ही भरा जो ओवरसीज हम खाकी जान लाला अमरीका तो हांगकॉन्ग तो इंग्लैंड तो जिन्होंने वजह तो सारी चैरिटीज पर चलनिया उन्होंने तावन न इन्हों ग्राउंड आबाद कर सई और इन्हों बच्चों खेडा के पास आंट सई और इन्हों बच्चों रोजगार देने की कोशिश कर सई और इन्हों बच्चों नौकरी देने की कोशिश कर सई, तो मैं उसने टीवी ना और मलिक अमीन असलम साहब ना उन्होंने टीम ना इन्होंने दोस्तों ना जो खड़ोते पानी बच्चे इन्होंने मशहूर हाँ, तो और मैं इन्हें दसना चाहना कि मैं इन्होंने नौकर हाँ इन्होंने कम ने वेज तो इंशाल्लाह इन्होंने नौकरी करने रहे सई ताकि इलाके ने जो मसाइल हल हो। गौरमेंट ने काम किया बनना कि इतना बड़ा इलाका छछ है इतने खेड़ के फरोग वास्ते खुद सा वजीर आजम एक जरा खिलाड़ी है, तो उस वास्ते मैंने की जमात तो की चाहे ग्राउंड की फैसिलिटी कि थोड़े इस छछ ने या सरखान जै खिलाड़ी तुमने मेरे अकामी सोसाइट ना रखा करो। बिल्कुल तुसा एक अच्छा सवाल मेरे ते किया है, असल मलिक साहब आखा को गौरमेंट दी पॉलिसीज़ ऑन कि ये जमीन विफाक नहीं है, उन्हें आख्या मैं बड़ी कोशिश की थी कि जमीन पंजाब गवर्नमेंट ने नाए तो होवन जाए, लेकिन जो तो मैं गल चलाई है तो कुछ साढ़े उत्थे मिनिस्ट्रीज हैं उन्हें आख्या कि एक काम नहीं हो सकना कि हंगामी तौर पर जमीन असा नेर वसे या हंगामी जो हालात पैदा होवन जो फ्लड ने तो उन्हें असं जरूरत पे सकनी है, तो मलिक साहब आके इन्वायरमेंटल पार्क है मैं अपनी जाती दिलचस्पी शो करके वजीर आजम पाकिस्तान एतमाद के दाए कि इतने इन्वायरमेंटल पार्क भी बन सी तो लोग अपनी मदद आपने ते इस मैदान बना सुन तो बच्चे खेड सुन, तो मलिक साहब आखा है कि पहले और भी तो वजीर गुजर के गए अगर मैं जमीन चाह देती पहला स्टेप पे अगर इन फ्यूचर भी कुछ हो सका तो मैं इन्हें से वखरी अराजी वेखसा जी गौरमेंट ने नाए तो पंजाब गौरमेंट ने तो मैं इन्होंने बच्चों से वो भी ग्राउंड दे सी यकीनदानी कराइए, तो असी छछ वेलफेयर सोसाइटी ना ये मकसद है मेरे दोस्तों ना खुरशीद भाई रफीक भाई औरंगजेब भाई ये और ओवरसीज ही साढ़े भरा खड़ोते नहीं मेरे मलिक वकार साहब इतने चेचे तो मलिक साहब इधर अगे आओ ये मलिक वकार साहब हैं ये बड़े फकीर बंदे ई मेरे को आए तो इन्हों मलिक वकार साहब तो मैं तो इंशाल्लाह इन तंजीमों नाल मिल गए असी एक फंड जनरेट कर सही इन्हों ओवरसीज पाकिस्तानियों को घिन सही तो ई दा ग्राउंड अपने इन्हों बच्चों से कर सही असा को वोट मैं अपनी जात से वोट या वकार नहीं लेनी वोट लेनी उसी मलिक अमीन असलम साहब, और मैं आवाम आखसा अगर वो अच्छा काम करो तो अगर आवाम की मर्जी है वा तो उन्हें वोट दो असी मजबूर तो किसी को नहीं करने किसी ती मैं मलिक साहब अभी आखा है, तो रही गल कि बच्चों ने मामले ने वेज मैं मलिक वकार भी आखा तो अपने संघियां भी आखा है तुसी किसी भी सियासी जमात ना लो लेकिन बच्चों ने मामले ने वेज तुसा सियासत नहीं आननी उन्हें ना ग्राउंडा असी सजा सई इन्हें आबाद कर सई, और अगे इंशाल्लाह थोड़े ध्याड़े बाद मलिक अमीन असलम साहब मेरे अगर रिक्वेस्ट की उन्हें आके यार इतने वे टूर्नामेंट पे होने तो पहला टूर्नामेंट मेरे नाए ना होना चाहिए आ, तो मैं उन्हें आख्या कि तुसी ना भी आखो आते खेड ने वेच कुरबानियाँ वेख के ये जश्न बारा मैं थोड़े नाए ना करसा और छछ ने जवाना दसा कि थोड़े से दा ग्राउंड देते ने तो तुसी भी अगे आओ ताकि जितने भी सियासतदान हैं साढ़े होर भी साढ़े इख्तलाफ किसी नाल नहीं भरावें नाराजगियां हो सकनियाँ दुश्मनियाँ नहीं होनी चाहिए, तो सियासत हर बंदे ने अपना हक आ वो करे लेकिन जड़ा अच्छा काम कर सी आ उस ना लें असी, तो असी नहीं आखने होने कि मरते दम तक तुम्हारे साथ हैं, असी आखने होने कि जब तक तुसी आवाम ना लो असी आवाम ना लो, तो मलिक साहब अगर आवाम ना रहे तो यासिर खान मलिक साहब ना ला।
इस गल को ना कि फलाना आया तो लोटा हो गई तो ये हो गई फलाना हो गई मेरे बारे पता करके अस बचपन तो जिस पार्टी नाल रहे अज भी उसी पार्टी नाल नहीं छोड़ी लेकिन जो मलिक अमीन असलम साहब मैं वेखा कि चैरिटीज नाल और छच ने कमा मां छच ने नौजवाना उत्ते आना चाहना तो मेरा तो उसका जब मकसद है कि मैं मकसद से उसका लाया अगर अगर मकसद से आ गया है तो मेरा मकसद ही भी जिस तरह अगर मलिक साहब इस मकसद तो हट गया है तो यासर खान भी हटे सी और मैं तो आखना अगर मैं अपने मकसद तो हट मजा तो तुसी मां फॉलो ना करो तुसी उस बंदे फॉलो करो जड़ा तो आड़े वास्ते सोचे और इलाकों उत्ते खड़े।